और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट प्रीत भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने चाहता है कि भाई खिलाड़ी इतने दिन चुप क्यों थे। आज चुनाव था, आप सबको पता है। आप जब हम जनवरी में आए थे तो पूरा प्रकरण आप लोगों ने देखा था। उसके बाद ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, उसमें जो ओवरसाइट कमेटी में 18-20 लड़कियों ने बयान दिए थे अपने, उसके बाद खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोला था, मीडिया के सामने बोला था कि ब्रजभूषण और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान WFI में नहीं आएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हमने दोबारा उसमें कमेटी 21 दिन वेट किया, 2 महीने वेट किया, 3 महीने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। हमने दोबारा प्रोटेस्ट चालू किया, वो भी आप लोगों ने खूब देखा, पूरे देश ने देखा। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, हम बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनके साथ शोषण हो रहा था उसकी लड़ाई लड़, नहीं तो हम भी एक्टिव खिलाड़ी थे, हम भी देश के लिए मेडल जीत रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे कि ये तो खत्म हो चुके थे करंट में, 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया था तीनों का, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने मेडल, एक बार देश में देख लीजिए, उसके बाद दोनों का, मेरा रूबीनेस का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया था। तो मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे तंत्र ने काम किया है, बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। आज WFI के चुनाव देख लिया आपने, उसी का आदमी बना है। उसके बावजूद जब खेल मंत्री जी के सामने 15-20 लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई थी, आज 6 लड़कियां, 6 लड़कियों में भी तोड़ने पे पूरा जोर लगाया जा रहा है। आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको देंगे मुझे लग रहा है जो, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है न्यायपालिका पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे देश में न्याय बचा है वो सिर्फ न्यायपालिका में ही बचा है। तो हमें अब भी उससे उम्मीद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से। तो हमें लगता है कि हमें जो बहन बेटियों को जो न्याय की लड़ाई है, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ना, हमने जो लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि आने वाली एक दो पीढ़ियों को और लड़नी पड़ेगी। जितने हमने अपने दम में, जितना हमारे में दम था, हमने वो लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो सरकार ने हमारे से वादा किया था ना, उसमें सरकार खड़ा नहीं हो पाई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज कि हमारी बेटियों को न्याय, मुझे नहीं लगता कि एक दो पीढ़ी के, जो अब आने वाली पीढ़ी है, उनको भी लड़ाई हो सकता है। नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला प्रेसिडेंट, ना महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। मैं उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है, प्लीज आप इसको देखिए।
और प्लीज हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। गणभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीजें पर्दे के पीछे होती आई है वो खुले में होगा। और दुख होता है हमें इस बात का कि हम इतने हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है, सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं महिलाओं का करते आए हैं उनको फिर से संवैधानिक पदों पर बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगी कि एक महिला है और उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियां तैयार रहिए शोषण के लिए, शायद आपको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, भगत सिंह जी ने जब देश के लिए फांसी लगाई थी देश तभी आजाद नहीं हुआ था, काफी साल लग गए थे उनको अपने देश को आजाद होने में भी।